नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी बहुत सारे ऐसे जानकारी है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन और सभी लगभग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज है गांधी जयंती, जिसके लिए आप सभी को बेहद ही शुभकामना व्यक्त करता हूँ मैं अपने चैनल की तरफ से। और यह वीडियो का सीरीज एक शुरू करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि जितने भी सारे गांधी जी से जुड़े जितने भी सारे जानकारी हैं, सामान्य ज्ञान है, उन सभी को मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं, यह सीरीज का पहला वीडियो होगा जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया करके आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। शुरू करते हैं। पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जानकारी के तौर पर कह लें या फिर एक जीके के तौर पर कह लें, जानते हैं सबसे पहला जीके आपके स्क्रीन पे 1915 ईस्वी से है। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। अगला है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 ईस्वी में तथा भारत वर्ष में वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था, ध्यान रखेंगे। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण बिहार गए थे, इस बात को भी ध्यान रखते चलेंगे कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही वो चंपारण आए थे बिहार में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार यानी प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के आने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे। अगला है, अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह के कारण समाप्त करना पड़ा था, इस बात को भी ध्यान रखते चलेंगे। अगला है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ समर्थन में 1918 ईस्वी में किया था, यानी भूख हड़ताल के रूप में जान लें तो यह आपका 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन गुजरात में अहमदाबाद जिले में खेड़ा जिले में महात्मा गांधी द्वारा 1918 ईस्वी में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव को रखा गया था, ध्यान रखेंगे। असहयोग के प्रस्ताव लाला लाजपत की अध्यक्षता में किया गया कांग्रेस अधिवेशन 1920 ईस्वी में था, जिसमें असहयोग की बात करी गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन शुरू किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया के चौरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ध्यान रखेंगे इस बात को। चौरा चोरी में जो कांड हुआ था, जो आगजनी हुई थी 1922 ईस्वी 4 फरवरी को, उसमें एक थानेदार के साथ 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक आप जानते हैं लाला हरदयाल थे।
इस बात को जानते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में आते हैं। 13 अप्रैल 1919 को आप लोग जानते हैं अमृतसर के जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर ये जो कांड हुआ था, यह जो यहाँ पर जो जनसभा लगी थी वह किस कारण लगी थी, आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचूल, देख सकते हैं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से बाहर भेजने तथा 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के विद्रोह में जनसभा पर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोली चलवाई गई थी इसी जालियांवाला बाग में। ध्यान देंगे इसी कांड को, इसी गोली कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड में कांग्रेस के अनुसार देखें तो 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। ध्यान रखेंगे इस हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति जो था वह भारतीय जो हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर को सहयोग दिया था, वही सूचना दिया था कि यहाँ बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर जनसभा कर रहे हैं। तो यही चीज को देख करके यहाँ पर जनरल डायर ने फायर किया था और बहुत सारे निहत्थे लोग, बहुत सारे निर्दोष लोग, बच्चे लोग, महिला लोग मारे गए थे। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, अंग्रेजों के मुंह पर मार फेंका था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जब आगे बढ़ेंगे, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिए थे। अब यहां से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किस मुद्दे को लेकर के दिया था, तो वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे जालियांवाला बाग के हत्याकांड से संबंधित जानकारी को लेकर के, और कहेंगे यहाँ पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चीमन लाल सीतलवाड़, उसके बाद साहबजादा सुल्तान अहमद जगत नारायण, ये 3 लोग थे जो कि इस जो समिति बना था, कमेटी बना था, उनके ये 3 लोग सदस्य थे। और इस बात को जानेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था जो कि कांग्रेस द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको तहकीकात कमेटी 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी बनाया गया था यह आयोग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो जिनमें मोतीलाल नेहरू तथा गांधी जी भी सदस्य थे, और जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा की जाती है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून तथा आतंकवादी और अपराध कानून कहा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को कानूनी रूप दे दिया गया था, कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया था। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन ही महात्मा गांधी का भारत में पहला राजनीतिक आंदोलन था। जब रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने यहाँ पर कोई प्रदर्शन किया, तो यह पहला राजनीतिक आंदोलन महात्मा गांधी के लिए था। यहाँ पर देखें तो उनकी राजनीतिक जीवन शुरुआत थी, और यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। और रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। इस बात को देखते हुए गांधी जी ने बहुत क्रोधित होकर के यहाँ पर इसके आंदोलन किया, इसके मतलब विपक्ष में। ध्यान रखेंगे गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह तारीख तय की थी, किंतु यह तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन में हिंसक रूप धारण कर लिया, जिससे क्या हुआ तो बहुत सारे दुर्घटना हुई, बहुत सारे घटना आपको घटित मिलेगी इतिहास में, ध्यान रखेंगे। अगला आपका खिलाफत आंदोलन से है। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान के मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। यह जो है टर्की और ब्रिटेन के खिलाफ
के समर्थन में था यह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन वहां के मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए। यहाँ ध्यान रखेंगे 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है, खिलाफत दिवस के रूप में 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉक्टर अंसारी ने किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जिसमें कि मुसलमानों ने अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया था। ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध ही खिलाफत आंदोलन को चलाया गया था, इसमें मुसलमानों ने अंग्रेजों के नीति के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे देखें तो भारतीय राजनीति का शांति काल जो कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के काल को आंधी से पूर्व शांति का काल कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के काल को पर आंधी से पूर्व जो है कि शांति का काल कहा गया, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में या जो इस तरीके की बात कहा गया था। अगला है आपका कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, इस समझौते के बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि भारत के इतिहास में यह सुनहला दिन है, भारत के इतिहास में यह सुनहला दिन है जिसमें लखनऊ समझौता की बात करी गई और कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी से जुड़ी जानकारी को देखते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इसी विषय पर हम जानते हैं कि पहला आपका जो है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था, कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें महात्मा गांधी को मिला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इन्हें कहा था भर्ती करने वाला सार्जेंट। भंगी शिरोमणि किसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान भंगी शिरोमणि के नाम से इन्हें कहा गया महात्मा गांधी जी को, ध्यान रखेंगे। कुली बैरिस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कुली बैरिस्टर महात्मा गांधी को कहा गया, ध्यान रखेंगे। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा किया कहा गया था कि कर्मवीर है महात्मा गांधी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा इन्हें कहा गया था, ध्यान रखेंगे। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया या जो है उपाधि था जो महात्मा गांधी को कहा गया था। मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया था मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया था जो महात्मा गांधी थे, ध्यान रखेंगे। बापू C.F. Andrews व जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें बापू का भी दर्जा दिया गया। उसके बाद देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था, ध्यान रखेंगे। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा एवं राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा महात्मा का जो उपाधि था वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया जाता है महात्मा गांधी को, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इस वीडियो में हम जाने महात्मा गांधी से संबंधित ऐसी जानकारी जो कि उनके जन्मदिन से रिलेटेड था या फिर जन्मदिन के अवसर पर हम जाने इस तरीके की जानकारी, या एक वीडियो का सीरीज होगा जो लगभग 5 से 6 घंटे का होगा, वो पार्ट बाय पार्ट होगा, प्रत्येक पार्ट में अलग अलग चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे और अलग अलग चीजों के बारे में जानते हुए हम अच्छे तरीके से समझेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में फायदेमंद होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।